कंडेंसेशन की। एल्डोल जो वर्ड है ये एल्ड और ओल से मिला है, ठीक है, और वैसे तो अब तक आप इतना पढ़ चुके हैं, यू शुड बी एबल टू सी कि ये क्या चीज है। एल्ड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड ओल फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड और अल्कोहल का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पे एक ऐसी कंडेंसेशन का नाम है जिसमें दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम पर्टिकुलरली सोडियम हाइड्रोसाइड को यूज करते हैं कोल्ड फॉर्म में, ठीक है। कोल्ड सोडियम हाइड्रोसाइड एज अ बेस इसमें रिएक्ट करता है, और इस बेस का काम क्या होता है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कोई भी बेस जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एनहांस्ड बाय एडिंग अ बेस। तो लेट अस सी कि दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। हम कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, हम अभी जनरलाइज नहीं करते, हम कोई भी ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे आर वन और आर टू। मेरे कहने का मतलब ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, ये कोई भी आपने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है। अगर आप इसी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन आपस में करवा दो, ठीक है, अच्छा इस बात का मतलब कि मतलब आप ये मत अज्यूम करो कि शायद ये एक कंटेनर है, आई मीन कोई बीकर वगैरह है जिसके अंदर पहले से लेट से एथेनल पड़ा हुआ है और आप मजीद एथेनल उसके अंदर डाल रहे हो, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसलन आपके पास कोई एक बीकर वगैरह है उसके अंदर ये जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है ये पड़ा हुआ है और उसके अंदर आप एज अ बेस किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह को डाल रहे हो, तो होता क्या है कि जो बेस है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एक बिगर कंपाउंड आपके पास बनता है जिसको हम एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जनरल रिएक्शन होता है कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा इसमें एक चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि दोनों एल्डिहाइड सेम होने चाहिए, मसलन ये नहीं हो कि आपको ये चीज हो और उसमें आप दूसरी चीज डाल रहे हो, दोनों आइडेंटिकल एल्डिहाइड होने चाहिए, ठीक है, इनका आपस में रिएक्शन आप करवा रहे हो। तो अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा। वैसे तो आप लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप देखो तो आपको काफी क्लियर हो चुका होगा कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ये एक एल्डिहाइड है, लेट्स कॉल इट आर वन, लेट्स कॉल इट आर टू, इसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोसाइड को डाल रहे हो तो डेफिनेटली आप हाइड्रोक्सिल आइंस आपके पास एक्सेस में होंगे सोल्यूशन के अंदर। ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं ये एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को या एच प्लस को, इसी वजह से हम इसको बेस कहते हैं, एसिडिक एक्सेप्ट प्रोटॉन्स या एच प्लस। और एच प्लस आपके पास मैंने बात की थी कि जितना ये आप बेस डाल रहे हो ना तो जितनी ये चीज ज्यादा एसिडिक होगी उतना ही अच्छे तरीके से रिएक्शन होगा। और कौन सी चीज ज्यादा एसिडिक होती है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर देखा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे आर मोर एसिडिक, और उनके एसिडिक होने के रीजन भी हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लोर की थी पहले। तो ये जो आर वन आर टू है हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। ये R1 और R2 कार्बन और फिर साथ एक और कार्बन, या इसको आप कोई भी चेन कह लो आगे डजंट मैटर, ये जो कार्बन है जो बिल्कुल अल्फा नंबर पे लगा हुआ है, बिल्कुल इस कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है इसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो, इसके साथ अगर एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस हाइड्रोजन के रिमूव होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये बेस आके अटैक करेगी इस वाले हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, और इस हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके एच और ओ एच रिएक्ट करके एच टू ओ बना देंगे, ठीक है। एक आपके पास ये एच टू ओ बन गया और जो पीछे आपके पास चीज बच गई है वो ये चीज बच जाएगी, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे R2 हमने अटैच किया हुआ था, यहाँ पे ये कार्बन साथ से एक हाइड्रोजन ऊपर वाला जो था वो रिमूव हो गया और ये वाला आपके पास अल्फा कार्बन था और इसके साथ जो हाइड्रोजन था दिस वाज अल्फा हाइड्रोजन, ये आपने रिमूव करवा दिया। अब रिमूव होने की वजह से आपने प्रोटॉन रिमूव करवाया ना H+, तो इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो अभी आपके पास चीज बनी है इसको हम बोलते हैं कार्ब एनाइन, ठीक है, कार्बेनाइन। अगर आप रिकॉल करो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पहले एक वर्ड पढ़ चुके हो कार्बोकेटाइन, कार्बो केटाइन वो कंपाउंड होता था जिसमें कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता था और एक इंटरमीडिएट बना करता था, जिससे पहले आपने एलिमिनेशन और रिएक्शंस के अंदर SN1 SN2 रिएक्शंस के अंदर आपने ये चीज देखी होगी, SN1 और SN2 रिएक्शन जब गालिबन चैप्टर 10 के अंदर आपने ये देखा होगा। इसी तरीके से यहां पे कार्बन 9 हम इसको बोलते हैं बिकॉज कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज हियर। और अब ये जो कार्बन 9 बन गया है इसके अंदर खास बात क्या है कि अब दिस कार्बन 9 कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। और अगर कोई इसी जैसा कोई और कंपाउंड पड़ा हुआ है तो उसमें आपको पता है हम इसी जैसा ये हमने ऊपर जो बात स्टार्ट की थी हमने जिस कंपाउंड से ली थी हम यही वाला कंपाउंड एक दफा दोबारा बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ आर टू सी एच सी एच। अच्छा इस वाले कार्बन ये कॉर्नर वाले के ऊपर डेफिनेटली हाइड्रोजन अटैच्ड है। अच्छा ये आपके पास स्ट्रक्चर था ना, अब इसमें बिल्कुल जो एक जो है ना उसके ऊपर तो हाइड्रोक्सिल ने आके अटैक कर दिया, दूसरा वाला जो है वो भी इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है, उस दूसरे वाले का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना
उस कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसको ये वाला कार्बन आके कार्बन 9 का जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा. बिल्कुल वही काम हो रहा है जिससे पहले आप लोग देखते आ रहे थे जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप के. तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है जो कि इस केस में ये वाला है. इसको कोई न्यूक्लियोफाइल आके हिट करता है. वो न्यूक्लियोफाइल अभी तक आप बहुत सारे देख चुके हो. आपने सबसे पहले साइनाइड देखा था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आके हिट करता है. या आपने उसके बाद फिर ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स देखे थे जिसमें आपके पास कार्बन जो होता है मैग्नीशियम के साथ अटैच जो अल्काइल चेन का स्टार्टिंग कार्बन होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आके हिट करता है. या फिर आपने सल्फाइड रिएक्शन देखे थे जिसमें सोडियम सल्फाइड जो था वो आके हिट करता था. जो इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास जो चीज आके हिट कर रही है वो कार्बन 9 है. ये कार्बन 9 जो है ये पूरा का पूरा आके इस कार्बन को अटैक करेगा जिसकी वजह से इस कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव कंप्लीटली नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. ठीक है, लेट अस सी कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ कैसा बनेगा. सी आर टू सी एच और एच, ये अब जो एच देख रहे हो ना ऊपर वाला मैंने रिमूव नहीं किया. ये इस वजह से नहीं किया क्योंकि असल में दो आपने आपस में रिएक्ट करवाए थे ना. ये ऊपर आप देखो एक ये था और एक ये था. एक के साथ तो बेस ने रिएक्शन कर लिया और बेस ने एक के अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको कार्बन 9 बना दिया और उस कार्बन 9 ने इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जाके अटैक किया है. ठीक है, तो ये दूसरे वाला मैं अभी बना रहा हूं जिसको जाके अटैक किया है. वो जिसको अटैक किया है उसके इस वाले कॉर्नर के ऊपर आके वो पूरा कार्बन 9 अटैच हो जाएगा. और कार्बन 9 की शेप कैसे थी वो ये था ना पूरा का पूरा सी सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एक और सी और इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो चार्ज खत्म हो गया. ठीक है, और इसके साथ तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए थे. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास R2 था. अब देख लो ये वही चीज़ है, बिल्कुल यही वाली चीज़ मैंने बनाई है नीचे. डेफिनेटली यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स हैं इसमें. अच्छा, अब क्या होगा कि अब वो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था उसका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि नीचे आके एक चीज अटैच होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये जाके अटैक करेगा वाटर को H2O जो आपने बनाया था ना बीच में उसको और उसके प्रोटॉन को साथ अपने रिएक्ट करवा के प्रोटोनेट हो जाएगा. ठीक है, और हाइड्रोक्सिल जो स्टार्ट में आया था वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट आप कह लो एक्ट कर रहा है. ठीक है, कैटलिस्ट कह रहा है, ये इस रिएक्शन को करवाने में मदद कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है. अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करके ड्रॉ करूँ ये क्या चीज बन गई है, ये अगेन आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड तो है ही है सी डबल बॉन्ड ओ आर टू, उसके साथ एक C है जिसके नीचे एक C है और उसे आगे एक सी ओ एच लगा हुआ है. ठीक है, और उसके आगे दो मजीद कार्बन हैं. ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया. बाकी सारे आप हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो और इस वाले कार्बन के ऊपर भी एक, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था. ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा. ऊपर भी शायद हाँ वो एक हाइड्रोजन मैंने बनाया हुआ है वहां पे. ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया. और ये जो बना है अगर इसको आप गौर से देखो ये क्या चीज बनी है, ये एक पहली बात तो ये कि ये कीटोन या एल्डिहाइड तो है ही है. कीटोन या अल्डिहाइड तो ये है ही है, उसकी वजह क्योंकि अभी भी इसमें एक कार्बोनाइल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. सेकेंडली अगर आप देखो कि इसमें ओ एच भी अटैच है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक अल्कोहल भी है. अब डिपेंड करता है कि ये R2 इसमें क्या चीज थी. अगर तो ये R2 भी हाइड्रोजन ही होता, यानी जहां से आपने कहानी स्टार्ट की थी उसमें अगर आप एक कॉर्नर पे हम लोगों ने ये वाला कंपाउंड लिया था ना स्टार्ट में, ये अगर इसमें आप R2 को हाइड्रोजन ही रखते यानी आप अल्डिहाइड से कहानी स्टार्ट करते, एक अल्डिहाइड का एक और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते, तो ये R2 उस केस में क्या होता, एक हाइड्रोजन होता. तो लेट्स पुट एच हियर इन दैट सिचुएशन. और अब अगर आप और करो तो ये एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बन गया है. इन पर्टिकुलर हम इसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ये आपके पास कार्बोनाइल का सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो ये आपके पास हो गया अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन. तो ये हमेशा ऐसे ही होता है कि आपका जो बीटा कार्बन होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है. तो इसलिए हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स भी बोलते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स का दूसरा नाम एल्डोल होता है. ठीक है, तो आप देखो आपने दो छोटे एल्डिहाइड्स लेके या कीटोन्स लेके एक उससे बड़ा एल्डिहाइड बना दिया है. ठीक है, और आपने कोई वाटर या कोई भी चीज रिमूव नहीं की, एक बेस ने सिंपली क्या किया है कि इस प्रोसेस को कराने में मदद की है. तो ये था इस पूरे का मैकेनिज्म. मैं थोड़ा सा एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं. आपके पास दो एल्डिहाइड्स हैं, एक ही एल्डिहाइड है, उसके आपने दो कोई भी आप एल्डिहाइड ले लो या कि दो कीटोन्स हैं आपके पास, उन दोनों के अंदर एक जो चीज आपने याद रखनी है कि एक अल्फा हाइड्रोजन लाजमी है, बाकी क्या चीजें हैं उनसे आपको गर्ज नहीं है. ठीक है, बाकी और तो डेफिनेटली ये पूरा कंपाउंड कंप्लीट हुआ होगा ना, इसमें और भी चीजें लगी हुई होंगी. तो यहाँ पे आप सी एच 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 यूं कर लो. तो अब क्या होगा कि एक बेस आएगी, बेस का हाइड्रोक्सी आके इधर से एक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा और जब यहां से ये प्रोटॉन वो अपने साथ ले जाएगा तो वो खुद वाटर बन जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसको हम कार्ब N9 बोलते हैं. और ये जो कार्ब N9 है ये जाके अटैक करेगा बिल्कुल इसी जैसे एक और कंपाउंड को जो कि H3CH3, ये हमने एसीटोन का रिएक्शन स्टार्ट करवाया. तो इस कार्बन 9 ने जाके अटैक करना है इस वाले
कार्बन को जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप का, और इसके साथ जाके अटैच हो जाना है। ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट देखने की कोशिश करो, प्रोडक्ट आपके पास क्या चीज बनेगी, प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मैं थोड़ा सा उसको रीराइट कर रहा हूँ, आप इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आएगा कि एक्जैक्टली यही चीज बन जाएगी। मैं इसको सिंगल लाइन के अंदर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये चीज बन जाएगी। अगर आप और करो, ये अगेन आपके पास एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, ठीक है, और स्ट्रेंजली आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी एल्डोल ही बोलते हो। अगर मैंने इसको नाम देना होता तो मैं इसको एल्डोल ना देता बल्कि मैं इसको कीटोल दे देता, क्योंकि ये कीटोन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, ये कीटोन है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ आपके पास कार्बन चेन्स हैं और बीटा लोकेशन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच्ड है, ये वाला, तो इसको आपको कीटोल बोलना चाहिए, लेकिन हम इसको कीटोल नहीं बोलते बल्कि एल्डोल ही बोलते हैं। ये जनरलाइज्ड रिएक्शन है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो आपने प्रोडक्ट को नाम वही देना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। ओवरऑल इस रिएक्शन की समरी ये है कि आपके पास कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आपके पास कोई आर चेन है, यहां पे आपके पास एक कार्बन, कम से कम एक साइड पे आपका ऐसा कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी दोनों चेन्स को आप आर और आर ही कर दो, आर वन आर टू आर थ्री। ये मैंने एक जनरलाइज्ड कंपाउंड बनाया है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, और मैंने मखसूस तौर पर यही वाला क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि किसी एक तरफ को अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखो एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर। आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यूज हाइड्रोजन भी हो सकती है या कार्बन चेन्स भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर आपने डाली एक बेस थोरियम हाइड्रोसाइड, उस बेस ने क्या किया कि कहां से इस वाले हाइड्रोजन को जाके अटैक किया, ये वाला हाइड्रोजन हो गया यहां से रिमूव और वाटर बन गया, ठीक है, इसको मैं वाटर बना देता हूं साथ, एक एच टू ओ साइड पे कर दो इसको, इसको हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन नाइन की शेक इसने क्या कर ली, अब ये जो कार्बन नाइन है ये जाके अटैक करेगा बिल्कुल इसी जैसे एक और को, सी सी आर टू आर थ्री डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड आर वन, ये सी जो है ये अब आके अटैक करेगा इस वाले कार्बन को जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है इन नेचर, और इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर यहां से एक चार्ज शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन आ जाएगा, ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा एच टू ओ को और वहां से एक एच को अपने साथ बॉन्ड करवा के यहाँ पे इसके साथ एक एच आके अटैच हो जाएगा और ओ एच दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया। आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसमें जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जोड़ के रखना। अब इसको एक लाइन के अंदर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले लेट्स राइट दिस वन, आपके पास एक कार्बन है उसके नीचे R2 और इस साइड पे R3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी इस वाले में यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, और इसका ये वाला जो कार्बन है इसके एक तरफ को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था लेकिन अब वो सिंगल बॉन्डेड OH हो गया, और इसके नीचे वाली साइड पे यह कार्बन नाइन का जो नेगेटिव कार्बन है यह आके अटैच हो गया, ठीक है। इस कार्बन के साथ फर्दर आपके पास एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और उस कार्बन के साथ एक R1 चेन लगी हुई है, और ये वाला जो कार्बन था इसके साथ एक तरफ R2 और एक तरफ R3 अटैच है, ठीक है। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इन एनी केस आपके पास यही बनेगा। ये जो भी इस दफा मैंने आपको लिखवाया है ये एक जनरलाइज्ड लिखवा दिया है आपको, यानी अगर कोई भी आप R1 R2 R3 की वैल्यू सपोज करके चलो तो आपके पास हमेशा यही वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। R1 की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और इन दिस सिचुएशन आप एक दफा फिर से नोट कर सकते हो कि ये आपके पास अल्फा कार्बन है या आपके पास बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के ऊपर देख सकते हो आपके एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक हो गया। नॉर्मली आप जो बेस इस्तेमाल करते हो इस प्रोसेस में वो सोडियम हाइड्रोसाइड होती है, बट नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, आप इसमें बेरियम हाइड्रोसाइड यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोसाइड आइंस जनरेट करता हो वो इस प्रोसेस को करने में हेल्प कर सकता है। इस लेक्चर को हम एक फाइनल बात के साथ कंक्लूड करते हैं कि अगर यही जो कंपाउंड आपके पास बना है इसके आप हीट करो इसको, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइल्यूट एसिड, तो आपका जो होता है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है इस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन विच इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर किस तरीके से रिमूव होगा कि ये जो एक OH है जो बीटा कार्बन पे अटैच्ड है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन तभी रिमूव होगा अगर ये R2 जो है ये हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये बेसिकली R2 और R3 अटैच्ड है ना, इनमें से कोई एक कम से कम हाइड्रोजन हो। अब हम देखते हैं कि R2 और R3 असल में था क्या, जो आपने स्टार्ट में लिया था ना ये एल्डोल कंडेंसेशन के स्टार्ट में जो आपने एल्डिहाइड या कीटोन सपोज किया था, मैंने उसमें सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन एटम लिया था, अगर उसमें दो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो तो सिर्फ उस सिचुएशन में डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आपके पास सिंगल अल्फा हाइड्रोजन हो तो फिर ये जो अभी हम बात करने लगे हैं ये नहीं होती। तो लेट अस सपोज के R2 या R3 में से कोई एक हाइड्रोजन था, लेट्स से कि R2 आपके पास हाइड्रोजन था, तो यहां पे भी और यहां पे भी एक एक H आप अटैच कर दो,
अब क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ये जो OH ग्रुप है ये और ये जो H ग्रुप है ये दोनों अलग होकर H2O बना देंगे, ठीक है, यानी वाटर रिमूव हो जाएगा और पीछे ये जो अल्फा और बीटा कार्बन है ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना देंगे, तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसी शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक हो गया, सी इसके साथ दो एच है और आगे फिर आर थ्री अटैच है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो कि ये आपके पास डेफिनेटली एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली दो हाइड्रोजन अभी भी अटैच्ड हैं जो मैंने अभी मिस किए हैं, यहाँ पे इस सिचुएशन में भी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच था। ये हाइड्रोजन वाली कहानी आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि जिस इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन चार चार आपने पूरे करने, चार बॉन्ड्स उसके पूरे करने हैं, तो जहां जहां पे नहीं है कुछ भी लगा हो वहां पे आप हाइड्रोजन अटैच करोगे डेफिनेटली। तो अब देखो ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया, अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड फॉर द रीजन बिकॉज इसमें एक डबल बॉन्ड है। और दूसरा इस कंपाउंड की खसूसियत ये, अच्छा सॉरी इधर नीचे ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होंगे। अच्छा दूसरा ये कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, तो हम इनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, और इनके फिर स्पेशल नेम्स भी होते हैं जो आप इनको दे सकते हो। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैनेजारोज रिएक्शंस देखेंगे, कैनेजारोज रिएक्शन जो कि अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन की एक टाइप है, बट ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हमने जो कहा था ना कि अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एबसेंट होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के अंदर ना हो तो फिर क्या होता है, ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर